जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे. नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है. और हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि मीन राशि के जातकों को अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनके घर में बरकत होती रहे, जो आमदनी हो रही है उसमें बढ़ोतरी हो रही है. हम मीन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं. 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और दिन है रविवार. उस दिन खरीदारी का बहुत बड़ा महत्व होता है, शुभ माना जाता है. ये माना जाता है कि जो हम खरीद रहे हैं उसमें इजाफा होगा, हमारी तरक्की होगी, सुख और समृद्धि बढ़ती रहेगी. हर आदमी स्वर्ण के पीछे भागता है और आज की हालत यह है कि हर आदमी स्वर्ण नहीं खरीद सकता है. आज हमारे देश की, हमारी, आपकी, सबकी हालत जो है स्वर्ण खरीदने की नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है पर बहुत लोग की नहीं हो सकती है. तो राशि अनुसार आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा, और वो भी वही फल देगा जो आप स्वर्ण खरीद के कर सकते हैं. हम मीन राशि की बात कर रहे हैं. मीन यह जलीय राशि है और गुरुदेव इसके स्वामी है. इस राशि में शुक्रदेव उच्च स्थान में विराजमान है. यह सुर और असुर दोनों के गुरुओं की श्रेष्ठता से सज्जित राशि है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यों को आप आरंभ कीजिए, निश्चित तौर पे आप समृद्ध रहेंगे. शिक्षण सामग्री का दान दीजिए, गुरुओं का आशीष लें, ज्ञान विज्ञान से जुड़े कार्यों का संकल्प लें, धर्म ग्रंथों का पाठ करें, चिंतन करें, मनन करें. स्वर्ण, घी, गौ और पीत वस्तुओं के संरक्षण और दान करने से लाभ होगा. अब जरूरी नहीं कि आप उसी चीज़ का दान करें, हम आपको और भी ऑप्शन दे रहे हैं. पीले रंग के वस्त्र में पीले सरसों और कुछ सिक्के बांधकर पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा की ओर रख दें, मतलब ईशान कोण में. किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप वस्त्र दान करें, आप कर सकते हैं, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं. पिता और गुरु का कभी अपमान ना करें, धन और सम्मान दोनों ही बढ़ेगा. कुंभ राशि के जो जातक हैं आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं यदि आपके लिए संभव है तो, और किसी गरीब को खाना खिलाएं, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा. मीन राशि के जातक आभूषणों की खरीदारी करें और किसी गरीब को आप खाना खिलाइए. तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है. आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए. धन्यवाद.